हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमारे पास रिपेयरिंग के लिए एक टॉर्च आई हुई है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो इसका सर्किट है ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई टॉर्च है और जिसका ये सर्किट ख़राब हो जाए, तो फ्रेंड कई बार ये रिपेयर नहीं हो पाता या इसका सामान नहीं मिल पाता, तो आप उसे कैसे पतली पिन से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको एसी बिजली से चार्ज ना करके आपको पतली पिन से कैसे इसको बनाना है, आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए कंटिन्यू, और इसे देख के आप किसी भी लाइट को या फिर कोई भी आपके पास इमरजेंसी लाइट है या फिर टॉर्च है उसको पतली पिन से बना सकते हो। तो आज की वीडियो में पूरा आपको डिटेल से बताने वाला हूँ फ्रेंड, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले जो हमें ये सर्किट है इसको अलग कर लेना है इसकी वायर को। तो ये देखिए हम इसके कट कर दे रहे हैं इसकी सभी वायर को। ये सर्किट है फ्रेंड, अब इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस सर्किट को। ये देखिए इस तरीके के सर्किट, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब हमारे पास बची ये चीज़ और ये, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं फ्रेंड। इसको अब हमें देखना ये है कि इसके अंदर जगह देखनी है कि हमें पतली पिन का कनेक्टर कहाँ पे फिट करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ पतली पिन का कनेक्टर फिट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी फ्रेंड। हमें इस चार चीज़ों की ज़रूरत होगी पतली पिन का कनेक्टर बनाने के लिए, और ये ऑप्शनल है, आप या तो पतली पिन का भी बना सकते हो या फिर चौड़ी पिन का भी आता है, तो उस टाइप का भी कनेक्टर को भी आप लगा सकते हैं, बाकी चीज़ सेम रहेंगी। ठीक है फ्रेंड, ये देख लीजिए। तो उसके लिए हमें एक डायोड की ज़रूरत होगी, एक इंडिकेट लाइट के लिए जिससे हमें पता चले हमारी टॉर्च चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, और एक हमें वोल्टेज कंट्रोल के लिए एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉर्च के अंदर ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि इसके अंदर स्पेस कहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे स्पेस लग रहा है, तो इसके लिए हम पहले होल कर लेते हैं। फ्रेंड मैं यहाँ पे पुल करूँगा इसके अंदर आयरन की मदद से। तो आप अपने हिसाब से इसको होल को देख लें फ्रेंड, ठीक है, और इस हिसाब से एक बार आप डाल के देख लो इसको, हमारा कनेक्टर फिट होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये कनेक्टर बिल्कुल फिट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे हमें ये इंडिकेट लाइट को भी लगाना है। वो आप साइड में भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऊपर लगाने वाले हैं, तो इसके लिए भी एक छोटा सा होल कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर होल कर लिया है, तो आप फ्रेंड देख सकते हो कि हमारे पास ये एलईडी है। ठीक है, और इसके अंदर एक वायर छोटी है और एक बड़ी है, तो जिसके अंदर भी वायर जो बड़ी होती है हमेशा वो प्लस की होती है, तो हम इसके अंदर ये रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसको एक साइड से सोल्डर कर लिया है, बाकी की ये जो एक्स्ट्रा वायर है हम इसको कट कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दो वायर टोटल हमारे पास मिल गई है, ये आप चाहें तो बाद में भी इसको सोल्डर कर सकते हो या पहले भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैंने इसको पहले सोल्डर कर लिया है, अब इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे इसके होल के अंदर, और थोड़ा सा हमारा ये जो होल है थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम इसके अंदर फेविक्यू डाल के थोड़ी देर के लिए चिपका देते हैं, छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो फ्रेंड ये जो आप इस टाइप का कनेक्टर होता है, जो इसके पीछे वाली पिन होती है हमेशा प्लस की होती है, और इस साइड में जो दो पिन पॉइंट दिए होते हैं ये माइनस का होता है। तो अब हमने इसको चिपका लिया फ्रेंड, तो ये हमारी जिसके अंदर हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो ये हमारी प्लस की है, तो ये वाली चीज़ इस वाले पॉइंट पे हम सोल्ड करेंगे इस कनेक्टर के पीछे वाले भाग पे, और ये जिसके अंदर कोई भी वायर नहीं जुड़ी ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा माइनस का है, तो ये हम इस पॉइंट पे सोल्ड करेंगे, और जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है हम इस पॉइंट पे सोल्ड करेंगे फ्रेंड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसको सोल्ड करके फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से सोल्ड कर लिया है, ये आप देख सकते हो, है ना। और मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता भी दूं इसके अंदर क्या क्या किया है मैंने। तो
तो ये जो हमारी एलईडी लगी हुई है, इसकी दो वायर हैं, तो एक वायर मैंने इसको साइड में सोल्ड कर दिया है माइनस की, जो कि ग्राउंड होती है, मैंने आपको बता दिया। और ये जो हमारी प्लस है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये मैंने कनेक्टर के पीछे लगा दिया है। तो हमारा ये इतना सर्किट कंप्लीट हो गया। एक बार चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी एलईडी जल रही है। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको हम निकाल देते हैं, आगे हमें क्या करना है वो देखिए। तो उसके बाद फ्रेंड हमें डायोड का यूज करना है, और डायोड के अंदर क्या दिक्कत होती है मैं आपको दिखा दूं। तो फ्रेंड डायोड के अंदर क्या पहचान होती है, तो आगे आपको सिल्वर कलर की एक पट्टी दिखाई देगी और पीछे आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। जो पीछे का ब्लैक हिस्सा है ये हमारा प्लस होता है, जो आगे की सिल्वर कलर की पट्टी है ये हमारी माइनस होती है। तो हमें इसको प्लस पॉइंट पर लगाना है डायोड को, तो इसलिए हम जो पीछे की ब्लैक ब्लैक पट्टी आपको दिखाई दे, उस साइड की वायर को हमें प्लस पॉइंट पे जोड़ देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड एक बार जोड़ के कैसे जोड़ना है आपको। फ्रेंड आप देख सकते हो कि मैंने प्लस वाले पॉइंट पे इसको जोड़ दिया। ये जो सिल्वर कलर की पट्टी है, ये सिल्वर कलर की पट्टी, तो ये हमारी आगे की तरफ है और पीछे ब्लैक वाला हिस्सा है, तो हमने प्लस पॉइंट पे इसको जोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद यहाँ से जो बैटरी के अंदर ये काम क्या करेगा, तो यहाँ से जो चार्जिंग से इसके पास करंट आएगा वो आगे की तरफ ये पास करेगा। लेकिन जो बैटरी का करंट है, मान लो यहाँ पे हम बैटरी को जोड़ते हैं और ये डायोड को नहीं लगाएंगे, तो ये जो हमारी एलईडी लाइट है ये अपने आप जलने लग जाएगी। तो इसको रोकने के लिए खाली ये चार्जिंग के टाइम ही जले, तो इसके लिए हम इसका डायोड का यूज करते हैं, नहीं तो हमारा इसका कोई काम नहीं है। खाली ये एलईडी अपने आप ना जले बैटरी लगाने पर, इसलिए हम डायोड का यूज करते हैं। तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं आगे इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो फ्रेंड मैं आपको समझाने के लिए एक बार आपको अच्छे से समझ आ जाए डायोड का क्या काम है, तो इसके लिए मैं देखिए आपको एक बार, ये जो हमारा प्लस वाला है डायोड से पहले मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए इसका क्या काम है। मैं एक बार सोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसको सोल्ड कर दिया यहाँ पे डायोड से पहले, ठीक है, ये डायोड से पहले हमने इसको यूज कर दिया, और ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, सोल्ड कर दिया माइनस पे। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि बैटरी तो हमारी चार्ज होगी, ठीक है, अगर हम इसको चार्ज लगाएंगे, ये वाली पिन चार्ज लगाएंगे तो बैटरी तो चार्ज होगी। ये जैसे कि अभी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि अगर हमने ये डायोड नहीं लगाया तो ये हमारी इंडिकेट लाइट बैटरी से भी पावर लेगी, ठीक है, और जब हम इसको चार्ज लगाएंगे तो ये चार्ज भी होगी, ठीक है, और जब हम इसकी चार्जिंग को निकाल लेंगे तब भी ये जलती रहेगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लगाते हैं डायोड, ठीक है, तो डायोड का हमने यूज किया है। अगर हम डायोड नहीं लगाएंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जो कि आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड। ये हमारी लाइट जलनी कब चाहिए, जब हम इसको चार्जिंग पे लगाएं तभी जलनी चाहिए, लेकिन ये तब भी जल रही है जब हम इसकी चार्जिंग प्लग को निकाल दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम डायोड लगाते हैं। तो चलिए अब इसके इस सिरे से हटा के, ठीक है, अब ये हमने डायोड यहाँ पे लगा रखा है, अब डायोड के आगे वाले इस पॉइंट पे हम लगाएंगे, ठीक है, डायोड के इस पॉइंट पे हम इसको सोल्ड करेंगे यहाँ से इस पॉइंट पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी बैटरी में ये जो इंडिकेट लाइट है ये नहीं जल रही, ठीक है, अब हम इसको चार्ज लगाएंगे तो हमारी बैटरी अब बिल्कुल उसके बाद हमें लगानी है बैटरी, बैटरी को लगा देना फ्रेंड। और इसके अंदर भी आपको देखिए कैसे कनेक्शन करना है। ये जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है, ये हमारा माइनस वाला पॉइंट है, तो इस पर हम माइनस वाली वायर को सोल्ड कर देंगे। और ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है, और इस वायर को हमें ध्यान रखना है, ये जो हमारा डायोड लगा है इसके आगे वाले पॉइंट पे लगाना है फ्रेंड। अगर आप पीछे लगा दोगे तो फिर ये हमारी एलईडी, ये देखिए पीछे आपको हल्की सी रेड रेड दिखाई दे रही है, ये फिर जलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है, तो हमें इसके डायोड के आगे वाले पार्ट पे लगाना है, इसीलिए हमने डायोड का यूज करा है कि बैक करंट रह जाए। ये देखिए फ्रेंड, तो इस तरीके से हमारा इतना सर्किट कंप्लीट हो गया। बैटरी अगर आप इसमें चार्ज लगाओगे, चार्जिंग पिन लगाओगे, तो हमारी बैटरी चार्ज होगी। अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं।
तो फ्रेंड ये देखिए, इसके आगे वाली जो एलईडी बल्ब है, ठीक है, फोकस के लिए होती है, आगे लगती है, और इसके जो साइड में ये वाली है इमरजेंसी के लिए, तो इसमें दो दो वायर हैं। जैसे कि आपको पता ही होता है कि इसके अंदर दो वायर हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, और इसके अंदर भी एक प्लस एक माइनस। तो हम इसकी माइनस माइनस की दोनों वायर को एक साथ जोड़ेंगे, दोनों की माइनस माइनस वायर है, ये आप अच्छे से देख लेना फ्रेंड, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस जोड़ दोगे तो फिर काम नहीं करेगी, तो आपको अच्छे से देख लेना है। माइनस माइनस की वायर को या तो आप बैटरी के इस पॉइंट पे भी जोड़ सकते हो, ये माइनस वाले पे, ठीक है फ्रेंड, और या फिर आप जहाँ पे ये माइनस की वायर जुड़ी है वहाँ भी जोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मैं वहीं जोड़ता हूँ फ्रेंड। ये छोटी छोटी बातें बताना जरूर होता है फ्रेंड, क्योंकि जो जिनको नहीं पता इसके बारे में, तो वो सोचते हैं कि यार यहाँ वायर जोड़ दें तो क्या होगा, वहाँ पे वायर जोड़ दें तो क्या होगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती थी, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया, उसके बाद ये जो हमारी वायर बच गई, टोटल दो वायर बची है, एक तो इस वाले एलईडी की और एक इस वाले एलईडी की प्लस प्लस की वायर बची है। ये जो वायर निकल के आई है प्लस वाली, ये हमको लगानी है बीच में, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास दो वायर बची है, तो एक इस पॉइंट पे लग जाएगी, एक इस वाले पॉइंट पे लग जाएगी, तो मैं एक बार आपको सोल्ड करके दिखाता हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने टोटल सभी तीनों वायर को जोड़ दिया है, मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा फटाफट। ये जो हमारी एक वायर आई थी बैटरी के प्लस पॉइंट से, ये हमने बीच में जोड़ दी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो वायर बची थी फ्रेंड, एक तो इसकी प्लस पॉइंट की वायर बची है, और एक वो जो हमारी साइड में एलईडी लगी है उसके साइड की वायर बची है, तो हमने एक वायर को यहाँ पे जोड़ दिया है प्लस वाली, और एक दूसरे एलईडी जो साइड वाली है इसकी एलईडी के यहाँ पे जोड़ दिया है। अब जैसे हम इसको बटन को यूज करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ से इसको आगे करता हूँ, तो आप देखिए साइड वाली हमारी एलईडी जल गई है, ठीक है, और ये जैसे मैं इसको पीछे की ओर प्रेस करता हूँ, तो ये हमारी एलईडी। तो इस तरीके से फ्रेंड हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब चलिए एक बार इसको हम पैक कर लेते हैं, देख सकते हो। चलिए अब इसको हम एक बार इसकी पतली पिन को चार्जिंग लगा के देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी पतली पिन से ये चार्जिंग बिल्कुल ओके हो रही है। ये जो वाले पॉइंट है इसका कनेक्शन हमने काट दिया है, ये खाली इसलिए हमने लगा छोड़ दिया फ्रेंड कि इसके अंदर चूहे वगैरह ना जाएं, ठीक है, और बाकी इसका कोई कनेक्शन नहीं, आपको सिर्फ पतली पिन से चार्ज करना है। अब इस टाइप के जो सर्किट है इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये ख़राब हो गया या फिर आपको रिपेयर करना नहीं आ रहा है या फिर आपको इसका सामान नहीं मिल रहा कुछ भी कारण से, तो आप इस तरह की पतली पिन बना के अपना काम चला सकते हो फ्रेंड। तो चलिए एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि इसके बटन वगैरह बिल्कुल ओके काम कर रही है कि नहीं कर रही पैक करने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड, एक बार मैं लाइट बंद कर देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। अब इसकी ये वाली लाइट जला के देखता हूँ, तो ये वाली ही देखिए, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने घर में किसी भी टॉर्च का या इमरजेंसी लाइट के बटन वगैरह को ठीक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, और कुछ सीख भी सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और घंटे के बेल आइकन पर क्लिक करें।